आदरणीय मोहम्मद मोकिम महाशय, धामनगर विधायक आदरणीय सूरज सूर्यवंशी महाशय, ईस्ट कोस्ट रेलवे जीएम आदरणीय मनोज शर्मा महाशय, आमर खोर्धा डिविजनल रेलवे मैनेजर आदरणीय रिंकेश राय महाशय, ये कार्यक्रम उपस्थित थिबा कटक सम्माननीय नागरिक भाई भोनी माने, युवक साथी माने, रेलवे तथा अन्यान्य विभाग अधिकारी कर्मचारी भाई भोनी माने, सामाजिक बंधुगण, आज गोटे भल दिन पवित्र रामनवमी। रामनवमी महाप्रभु श्री रामचंद्र भारतीय जीवन रे अनेक कारण परिचित होती, ता भीतर गोटे कथा जीवन चली जाओ पछे कथा देखा कथा को वचन देखा कथा को पूरण करिवार मर्यादा महाप्रभु श्री रामचंद्र सभ्यता को देख जाइछन्ते। मु ये कार्यक्रम रो प्रारंभ रे ओडिशा तरफ रो केंद्र रेलवे मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को सुयोग्य सहयोगी अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद देवी कि सीए ठीक 9 दिन पूर्व ओडिशा रे वचन देथिले जे भद्रक को भुवनेश्वर रु गोटे स्वतंत्र ट्रेन चलो। आज ठीक 9 दिन है श्री अश्विनी वैष्णव रेलवाई तार कथा रखिथिबारु आज रामनवमी अवसर रे मु महाप्रभु श्री रामचंद्र पाखे महाप्रभु जगन्नाथ पाखे कामना करुचि नरेंद्र मोदी सरकार कथा आम एक है थाउ आम ओडिशा भलिया राज्यर प्रगति विकास आहुरी गतिशील हो पूर्वोदय आहुरी रूप हो। बंधुगण यापाई मु भी सूरज वंशी को धन्यवाद देवी कारण नुआ है कि विधायक जीति सूर्यवंशी भद्रक रु बाले भुवनेश्वर ट्रेन चलो ये आगर कल्पना थिला से ट्रेन लोक अपेक्षा कारण जलेश्वर पर्यंत पड़ेगा भुवनेश्वर बाहर भद्रक देखी जलेश्वर पड़ेगा। अश्विनी बाबू भी बालेश्वर संगे अत्यंत मधुर संपर्क सह जोड़ी बालेश्वर लोक आसी अनुरोध करते से बालेश्वर नहीं ट्रेन को पहुंचे जलेश्वर पर्यंत से भद्रक वाला टी मन उणा करते उणा करवा भी स्वाभाविक। भद्रक बहुत दिन दाबी थिला जे आमे बड़ डाक्तरखाना को जीवु कचेरी को जीवु आमर राज्यर सांस्कृतिक स्थान कटक को जीवु आम पाई गोटे कम समय लगुवा ट्रेन चल आज से कथा को श्री वैष्णव रखिले सूर्यवंशी से आसी नेतृत्व नहीं कि जिलार गुरुजन मान परामर्श नहीं आसी मोदीजी गोटे कथा अच्छे जहाँ कहती ताको करी की देखा आज ओडिशा तरफ रु भी नरेंद्र मोदी को कृतज्ञता जनाऊँगी ये कथा को पूरा कर सूरज सूर्यवंशी को आम ट्रेन में बसेबू आज रामनवमी बड़ धूमधाम सह भद्रक पालू रामनवमी प्रोसेसन सह भुवनेश्वर रु कटक रु जो ट्रेन टा नयागढ़ चलो ये मोकिम भाई नयागढ़ बंधु को शुभेच्छा दौले तुम्हें नयागढ़ रु छेनापोड़ धरिकी भद्रक भद्रक रु मुर्गी धरिकी पुणी आसिबो कटक रे मुकिम भाई को दबो ये भाईचार कथा आम ओडिशा रे जिते नागरिक पैसेंजर अमेनिटी जाऊ मोर अश्विनी बाबू के संगे गोटे सदा बेले मत थाए जे ओडिशा रेलवाई को जी रोजगार करके अनुसार अतीत जो माने दिल्ली सरकार दायित्व थिले से माने ओडिशा को सेतिक मात्र रे अर्थ अनुदान करू नथले आज 2014 उपरांत ओडिशा रे मोदी सरकार समय रे प्रति वर्ष
600-700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଭରେଜ ରେଳକୁ ମିଳୁଥିବା ଅନୁଦାନରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବଢ଼ିଥିଲା 1700-1800 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପରେ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର, ତାକୁ ସେ 10000 କୋଟି ଟଙ୍କା କପେଇଲେ ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ଶର୍ମାଜୀ ରିଙ୍କେଶ ବାବୁ और रेलवे के सारे अधिकारी, अश्विनी बाबू तो पैसा पहुंचा ही दिए, लेकिन अश्विनी बाबू तो काम तो नहीं करेगा ना, काम तो आप ही लोगों को करना है। पर मेरा अपेक्षा है रेलवे की टीम पूरा जिम्मेवारी लेके ये काम को पूरा करेगा। उड़ीसा में एक विषय है जिसको इस बार हम भूल प्रमाणित करें, एवे तो अश्विनी बाबू कते किलोमीटर रेल लाइन है, कते इलेक्ट्रिफिकेशन है, प्रथम थर करी ओडिशा रे 57 टी स्टेशन को पुनर्निर्माण करा जीवो, नवीकरण करा जीवो, पैसेंजर अमेनिटीज रे एते टंका स्टेशन रो पुनर्निर्माण, स्टेशन रे अनेक यात्री सुविधा, केबे हम ओडिशा रो स्टेशन गुडी करे एस्केलेटर व्यवस्था नथिला, लिफ्ट व्यवस्था नथिला। आज हमर कटक, भुवनेश्वर, पुरी, राउरकेला, संबलपुर, बालेश्वर, ये स्टेशन गुडी को आज जातीय स्तर स्टेशन हवा पाए बस। भुवनेश्वर कटक स्टेशन तो अंतरराष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त स्टेशन हम बोले अश्विनी वैष्णव कल्पना। ये भितरे अनेक नुआ रेल लाइन भी फंक्शनल हो गलानी, आम अपेक्षा रखीचु माननीय प्रधानमंत्री हाथ में ये सब को ओडिशा पाई लोकार्पित करबा पाई। आज शुभ अवसर में अधिका कथा किछि न कहिकि मु आउ थरे रेलबाई को धन्यवाद दउछि, अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दउछि, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पखरे कृतज्ञता ज्ञापन करूछि जे ये प्रगति रा रथ को महाप्रभु कर आशीर्वाद रे याको आहुरी गतिशील करा जाउ, ट्रेन चालू, यात्री मान पर सुविधा बढ़ू, ओडिशा रे राजस्व अधिका खर्च हो, आमदनी भी ओडिशा रहो, ओडिशा भारत अर्थनीति रे एक प्रमुख स्थान ग्रहण करू, रेलवे तार एक मुख्य संयोग सूत्र हो। ये शुभकामना देखी मोर वक्तव्य शेष करुच्ची, धन्यवाद, बंद।